हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है पाठ 8 उपसह संयोजन यौगिक। उस चैप्टर का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन का नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे VBT के नाम से जाना जाता है। तो इसके मुख्य अवधारणाएँ का वर्णन कीजिए। चतुष्फलक और अष्टफलक उपसह संयोजन यौगिकों के उदाहरण दीजिए। यहाँ पर उदाहरण सहित आपको लिखना है, या फिर पूछ सकता है एक और क्वेश्चन कि उपसह संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को दो उदाहरण द्वारा समझाइए। दोनों ही टफेस्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से रट कर जाइए। इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे ये देखते हैं। अवधारणाएँ लिखना है। नंबर एक दिया गया है, लीगेंड पर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए होने चाहिए। नंबर दो पॉइंट दिया गया है, धातु परमाणु आयन में रिक्त उपकक्षक होने चाहिए। इसी प्रकार दिया गया है संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT, इसमें क्या लिखना है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत पाउलिंग द्वारा प्रतिपादित है, यानी कि इसकी जो सिद्धांत दिया था ये पाउलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत की निम्न अवधारणाएँ हैं। नंबर एक अवधारणा है रिक्त उपकक्ष होने चाहिए जिससे उपसह संयोजी आबंध बन सके, यानी कि खाली स्थान होना चाहिए जिससे कि उपसह संयोजी आबंध आसानी के साथ बन सके। दूसरा नंबर पॉइंट है, कुल आबंध संख्या पर निर्भरता के कारण आवश्यक उपकक्षकों का उपयोग होता है, जैसे S, P या D जो संकरण कक्षकों का निर्माण करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, संकरण कक्षक आबंध बनाने में होते हैं। चौथा नंबर पॉइंट दिया गया है, बाह्य उपकक्षक उच्च ध्रुवण या आंतरिक उपकक्षक निम्न ध्रुवण यौगिक बनाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के उपकक्षक उपलब्ध हैं। इसी प्रकार में उदाहरण दिया गया है, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, यानी कि इस यौगिक में क्रोमियम आयन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d³ है। कुछ इस प्रकार से फिगर सहित दिया गया है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसी प्रकार NH3 अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया गया है। कुछ इसी प्रकार से सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला दिए गए हैं आपको, जो एग्ज़ाम्स के पहले आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है आपका, क्योंकि आप लोग तुरंत स्किप करके वीडियो देखने लगते हो। इसलिए मैंने क्या किया है, देख रहे हो आप सब लोग कि मैंने साधारण से ट्रिक के साथ मैंने बता दिया है, जो आप लोग अच्छे से तैयार करके बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर पूरे में पूरा आसानी के साथ छाप सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।